जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, किसान यूनियन जिंदाबाद, बाबट के जिंदाबाद, बाबट के जिंदाबाद। एसडीएम, डीसी, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार में मंत्री महोदय सबसे मिले हैं, सब ने आश्वासन दिया है, परंतु कोई अब तक हल नहीं हुआ। अगर ये ऐसा ही चला तो बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे, और क्योंकि 200 घर बर्बाद हो रहे हैं, इस सरकार के एक्ट मिची हुई है, इससे हम बहुत दुखी हैं। किसानों तक नहीं पहुंचता, अभी भी फिर हमारी मांग है, इस बार दिल्ली सरकार से मांग है कि MSP पे दिल्ली की खरीद हो। अभी हमारा मार्केट में बाजरा आया हुआ है, अन्यथा हम रोड पर निकलेंगे, आप भारत सरकार उसमें लाठी चलाए, पानी बगाए, अन्यथा हमने बंद करे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और इस समय कृषि कानूनों को लेकर के पूरे देश में अस्त व्यस्त माहौल है, और आज हम पहुंचे हैं इन कृषि कानूनों की सत्यता की जांच करने के लिए दिल्ली प्रदेश में। और हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए दिल्ली प्रदेश के तमाम वो किसान हैं, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के भी हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा करेंगे कृषि कानूनों को लेकर के, किसान यूनियन क्या सोच रही है और क्या उनकी आगामी रणनीति है। जिस तरह से कृषि कानूनों को लेकर के लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इसी क्रम में आज हम नजफगढ़ के ढासा गाँव में मौजूद हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 12 के प्रधान हैं, चौधरी खजान सिंह डागर, चौधरी वीरेंद्र सिंह डागर, मुकेश खरब है, राज सिंह डागर हैं, तमाम वो किसान हैं जिनसे हम आज इन कृषि कानूनों को लेकर के चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं, हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रधान हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह डागर जी हैं, और खजान सिंह जी हैं, राज सिंह जी हैं। प्रधान जी, मैं आपसे चाहूंगा कि कृषि कानूनों को लेकर के क्या व्यवस्था है और क्या आपकी दिल्ली प्रदेश में रणनीति है, किस तरह से कार्य किया जा रहा है कृषि कानूनों को लेकर के। धन्यवाद शर्मा जी। आज जो डासे गांव में जो एक पंचायत बुलाई, मीटिंग बुलाई है भारतीय किसान यूनियन की, हमारे जो राज सिंह हैं, संरक्षक हैं भारतीय किसान यूनियन के, उनकी अध्यक्षता में एक हम जो आज चर्चा हो रही है, हमारी दिक्कत है दिल्ली प्रदेश में। एक आपने जो दिखाया था 25 तारीख को आपके माध्यम से, जो सरकार तक हमने बात पहुँचाई थी, रावता गाँव में लगभग 200 एकड़ ज़मीन पानी में डूबी हुई है कई वर्षों से। दूसरी हमारी जो चर्चा हुई कई दिन से, जो MSP पे बात चल रही है, कल भी आ रही थी कि 1 तारीख से हम खरीद शुरू कर देंगे, ये खरीद नहीं हुई। हमारे साथ में जो हरियाणा प्रदेश है, वहाँ से भी हमने पता किया खरीद शुरू नहीं हुई उसका। हरियाणा प्रदेश में अगर शुरू होगी तो दिल्ली को कोई फायदा नहीं हो रहा। जैसे भारत सरकार कह रही है कि किसान कहीं भी जाकर अपनी फसल बेच सकता है, ऐसा नहीं है। हमारे नज़दीक हम दिल्ली से मध्य प्रदेश या बंगाल में जाकर तो फसल नहीं बेच सकते, हम बेच सकते नज़दीक हरियाणा में। हरियाणा में जो पहले से ही इस सरकार ने रोक जो लगा दी है ऑनलाइन, जब किसान है तो ऑनलाइन कहाँ क्यों किया इसने, उसमें लिमिटेड बना दी कि आपकी सरसों इतनी ले, उस पर भी हमारी चर्चा हुई। हमारी तीसरी चर्चा हुई जो कृषि विधेयक जो बनाया है, उसमें भी उसी दिन से भारतीय किसान यूनियन विरोध कर रही है, ये भी खुद नहीं बता पाए कि इसमें क्या है। बाहर वाली बात हम समझ नहीं पाए हैं क्या है, बाहर कहाँ जा कर बेच हम, तो इसमें हमारी बहुत सी चर्चा हुई। हमने एक निर्णय लिया है कि हम अगली वाली हमारी नीति क्या होगी, तो इसमें हमारे और जो किसान हैं उनके जो पदाधिकारी बैठे हैं वे भी आपसे चर्चा करेंगे जी। तो दो बातें जो आ रही हैं MSP को लेकर के और किसान की जो फसल की खरीद को लेकर के, मंडी व्यवस्था को लेकर के, तमाम इस तरह की चर्चाएं हैं जो किसान के मन में असमंजस बना हुआ है, और इसी को लेकर के आज यहाँ बैठक बुलाई जा रही है जो इस समय ढासा गाँव में। हमारे साथ राज सिंह डागर जी भी हैं, आइए उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। राज भाई, क्या समस्या है किसानों को लेकर के, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, किसान आवेशित नजर आ रहे हैं, उग्रसित नजर आ रहे हैं, क्या कारण है भाई? संजय शर्मा, हम तो ये कहेंगे जो प्रधानमंत्री ये बिल लेकर आया है जी, इस पे देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। पहले दिन पर आया ये कह रहा था किसानों को बहुत फायदा है, एक हफ्ते बाद जब किसानों ने विरोध किया, सड़क उतरे, फिर प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं छोटे किसानों को बहुत फायदा हुआ। प्रधानमंत्री नहीं समझा सकता इन लोगों को, झूठ बोल रहा है तो इस बिल का फायदा क्या है आपको? इस बिल पहली कमी तो ये है, अब हम तो राजधानी में, दिल्ली की राजधानी में ये हाल है, MSP जो नहीं मिल रहा। हमारा बाजरा 2100 रेट 1400 रुपये मंडी में किराया है, गेहूँ 1900 1600 रुपये करे हैं, हमने इसमें MSP का फायदा क्या? अगर प्रधानमंत्री इतना ही किसानों को कहते ही है तो नीचे एक लाइन ये भी लिख दे, अगर MSP का जो रेट हमने काट लिया है, बाहर लो या कोई भीतर लो, उसका रेट में लगा, नहीं तो उसके जुर्माना हो या सजा हो।
जो तो प्रधानमंत्री ने, ये तो दलाल बैठा है जितने व्यापारियों का है, हैं किसानों के बारे में सोच रहे हो तो ये लाइन लिख दो। जिस तरह से कृषि कानूनों को लेकर के आपके साथ लगते हरियाणा और पंजाब की मैं बात करूं, पंजाब विधानसभा ने, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने इन कृषि कानूनों को विधानसभा में निरस्त कर दिया गया है। पंजाब में ये कानून लागू नहीं है। क्या दिल्ली में भी ऐसा हो सकता है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो दिल्ली में अगर इस तरह का हो जाए, कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया जाए, तो उससे कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं, आज हमारी ये मीटिंग हुई है, हम भाई सारे बैठ कर ये दिल्ली सरकार पर दबाव बनाएंगे जी। और देखिए, जिस तरह से यहाँ किसान जागरूक हो उठे हैं, अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए किसान संगठन के बैनर तले एकजुट हुए हैं दिल्ली प्रदेश के किसान, युवा किसान भी हमारे साथ हैं, मुकेश, उनसे भी बात करते हैं। मुकेश भाई, जिस तरह से दिक्कतें आ रही हैं, क्या मुख्य समस्या है और आप क्या समझते हैं इस बिल के विरोध में? किसानों की मुख्य समस्या जो है MSP की है जी। अच्छा। और जो हम गवर्नमेंट के उससे जो वादा किया है भाई MSP है, पर MS की गारंटी कोई नहीं है गवर्नमेंट की उससे। MSP अगर लागू हो जाए तो किसान की समस्या थोड़ी दूर हो। बिल से तो जो है किसान का विरोध विरोध है जी। जैसे पहले भंडारण किसान कर सकता था, अब कोई भी कर सकता था, इससे तो जो है कालाबाजारी बढ़ेगी किसानों को। लेकिन सरकार दावा कर रही है कि कालाबाजारी खत्म करने के लिए सब किया है। नहीं नहीं नहीं, दावा कर रही है, होगा नहीं ना जी। दावा कर रही है, दावा तो पहले भी किया है इन्होंने, दावा तो इन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट का। अगर किसानों की इन्होंने आय की चिंता थी तो इन्हें स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करनी थी, इसी का ही वादा था। ये तो ये बिल एकदम निकाल के लाए हैं और एकदम लागू किया है इन्होंने जबरदस्ती, किसानों की भलाई के लिए कर रहे हैं और किसान विरोध में खड़े हैं और किसान की सुन नहीं रहे, तो कहाँ भला होगा किसान का जी। क्या क्या कहना है इस कृषि कानून को लेकर के, आप क्या समझते हैं, कितना नुकसान है किसान को और क्या क्या इस पर आपत्तियां हैं? संजय जी नमस्कार। नमस्कार जी। हम इस कृषि बिल का विरोध करते हैं जी, और ये सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो ये MSP मूल्य है, इससे नीचे भाव नहीं होने चाहिए जी, इससे ऊपर ऊपर होने चाहिए, ये उम्मीद है हमारी। ये बार बार मांग की जा रही है किसानों के द्वारा, MSP से कम में कोई भी किसान की फसल की खरीद नहीं होनी चाहिए, सरकार यह सुनिश्चित करे कि MSP से कम की खरीद कहीं भी नहीं होगी। किसानों की यह प्रखर मांग जो हमारे नोटिस में आई है, इसको लेकर के लगातार जितने भी किसान संगठन हैं या जो जागरूक किसान हैं, वो सब यही मांग कर रहे हैं जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। संजय जी। जी संजय जी, मेरे से पहले जो वक्ता थे, हमारे बड़े भाई थे, उन्होंने बड़े अच्छे से बताया कि जो फार्म बिल है वो कभी किसानों की डिमांड थी ही नहीं जी। किसानों की डिमांड शुरू से ये है कि किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले, MSP मिले, जो कि दिल्ली में तो आज तक मिला नहीं। और इसके अलावा भी दिल्ली के किसान होने के नाते मैं एक दो विषय इससे अलग भी कुछ कहना चाहूँगा, रखना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दे तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। मास्टर प्लान 2021 जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2007 में नोटिफाई किया था, उसके तहत दो नीतियाँ दिल्ली के गाँव 95 गाँवों के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी और दिल्ली के 70 गाँवों के लिए LDRA पॉलिसी बनाई थी। उसमें किसानों को यह एक हक दिया गया था कि वो अपनी खेती के अलावा भी अपनी ज़मीन पे कुछ करना चाहें, अपना मकान बनाना चाहें या कोई भी एक्टिविटी करना चाहें तो वो कर सकते थे। लेकिन पिछले 13 साल होने के बावजूद भी उस प्लान को ना तो कोई इम्प्लीमेंटेशन हुआ ग्राउंड पे, ना ही गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के मूड में दिखाई दे रही है। इसके अलावा मास्टर प्लान 2041 पे काम शुरू कर चुकी है गवर्नमेंट, उस पर बहुत सारा पैसा NIUA को ठेका दे रखा है, सरकारी पैसा दिया जा रहा है, एक और पेपर टाइगर बनाने की तैयारी की जा रही है। हम ये कह रहे हैं, जब आप मास्टर प्लान 2021 13 साल में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए ग्राउंड पे और आप एक और मास्टर प्लान 2041 बनाने जा रहे हो, तो एक और पेपर टाइगर बनाने की आपको आवश्यकता क्या है? उससे तो अच्छा ये होगा आप 20 साल उसी मास्टर प्लान 2021 को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करें, ना कि एक और मास्टर प्लान बनाएं। तो हमारी तो सरकार से ये डिमांड है कि MSP मिले, और इसके अलावा हमें खेती के करने के अलावा भी मास्टर प्लान के अनुसार जो हमें विकल्प दिए गए हैं वे इम्प्लीमेंट करें, हमारी LDRA पॉलिसी इम्प्लीमेंट करें, लैंड पूलिंग पॉलिसी इम्प्लीमेंट करें, जिससे जो किसान खेती के अलावा भी इतर भी कुछ करना चाहे वो अपना कर पाए। जी हाँ, खेती के अलावा यदि किसान अन्य संसाधनों से अपनी आय बढ़ाना चाहता है तो सरकार उसकी भी व्यवस्था करे, ताकि किसान खेती के साथ साथ अन्य विकल्पों पर भी विचार कर सके, किसान की आय बढ़ सके। किसान जागरूक हो उठे हैं और किसानों की ये मांग है मास्टर प्लान को लेकर के, तमाम तरह की जो दिक्कतें दिल्ली देहात का किसान झेल रहा है, उन सब की चर्चा के लिए जी नमस्कार। नमस्कार जी संजय जी। जी
देखो पहले तो ये जो बिल लागू किया गया है, पहले तो किसानों को इकट्ठा करके इसके बारे में विचार विमर्श आपस में करनी चाहिए थी जी, जो इन्होंने नहीं किया, अपनी मर्जी से लागू कर दिया। तो इससे तो ये है कि किसानों से बगैर पूछे कोई काम होगा तो बेकार होगा। तो इससे है कि भाई हमारी कीमत जो रखी है उसी कीमत पर अनाज को खरीद की जाए, MSP पर खरीद की जाए। हाँ, ये हमें नहीं पता, ये बार बार ये आ रहा है कि बाहर बेचो, बाहर बेच सकते हो, ये बाहर बेच सकते हैं, ये बात हमारी समझ में अब तक किसानों को नहीं आई है जी। इसको समझाओ और इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे किसान, तभी तो कामयाबी मिले। जी हाँ, जो फार्म बिल है, जो कृषि नए कानून बनाए गए हैं उनको लेकर के किसान असमंजस में भी है। कुछ बातें जो क्लियर होनी चाहिए थी, जो किसानों से चर्चा होनी चाहिए थी, वो चर्चा नहीं हो पाई। आम किसान की समझ में ये चीजें नहीं आ पा रही है, उसको लेकर के भी किसान चिंतित है। एक बार फिर से वीरेंद्र डागर जी से मैं जुड़ना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, आपने दो समस्याएं रखी है, एक तो जो आपके साथ लगते रावता गांव में जो फसल जलमग्न हो चुकी है उसको लेकर के भी आप काफी हाथ पांव हिला चुके हैं, सरकार और प्रशासन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरा, जो फार्म बिल है, किसानों का जो बिल को लेकर के दिल्ली के किसानों को केंद्र सरकार द्वारा जो अन्य राज्यों में सुविधाएं दी जा रही हैं उनका लाभ भी नहीं मिल रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे फसल बीमा योजना है, किसान समृद्धि योजना है, या तमाम जो अन्य तरह की जो घोषणाएं हैं जो अन्य राज्यों को मिल रही हैं वो भी दिल्ली के किसानों को नहीं मिल रही हैं। पूर्व में जब आपसे बात की गई तो आप उसको लेकर के LG से भी मिले हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, तमाम इन चीज़ों को लेकर के अब आपकी क्या रणनीति है? आज की जो रणनीति है वे अभी हम डिक्लेयर नहीं करेंगे शर्मा जी, हम आपको समय आने पर बिल्कुल बताएंगे जी। आपके माध्यम से हमने बताया था 25 तारीख को भी हमने एक आंदोलन किया था, भारतीय किसान ने रोड पर किसान निकले थे, रावता गांव में लगभग 200 एकड़ जमीन कई वर्षों से डूबी हुई है। हमारी उसमें मांग है कि उस किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जाए, वह उसका स्थायी समाधान किया जाए जिससे खेत अपने बुआ जोत कर सके। वे उस समय वहाँ से बीच में किसान रोके, वहाँ प्रशासन ने दबाव बनाया, हम अपने समय को विचारते हुए हमने अपना रास्ते में रोक के 5 आदमी जाकर अपना विज्ञापन हमने DC साहब को कापस छेड़ा दिया। वहाँ उसमें लिखा भी है, हमने बताया भी है, मैं फिर आपके माध्यम से बता, उसमें तत्काल कोई निर्णय ना लिया तो फिर रोड पर किसान आएंगे। दूसरा, जो आप MSP वाली बात हो रही है, इस देश में, इस प्रदेश में 2015 के बाद में दिल्ली प्रदेश में MSP पर खरीद नहीं हुई, ये अन्याय है किसानों के साथ, एक लोकतंत्र की हत्या है। जब हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, दिल्ली प्रदेश में किसानों के नाम बजट निकलता है 200-300 रुपये करोड़ रुपये जो जाता है वे कहाँ जाता है, ये खाली कागजों में समेट कर रह जाता है, किसानों तक नहीं पहुँचता। अभी भी फिर हमारी मांग है, इस बार दिल्ली सरकार से मांग है कि MSP पे दिल्ली की खरीद हो। अभी हमारा मार्केट में बाजरा आया हुआ है, अन्यथा हम रोड पर निकलेंगे, आप भारत सरकार उसमें लाठी चलाए, पानी बगाए, अन्यथा हमने बंद करें। हमारी जो तीसरी है, कई दिन से जो लगे हुए हैं पूरे भारतवर्ष में रोड़ा मचा हुआ है कृषि विधेयक का, भारतीय किसान यूनियन चौधरी टकेत साहब ने भी इस बात में कई बार अधिकारियों से बात भी की है, हम इसका भरदोर विरोध करते हैं। जैसे कई स्टेटों में मुख्यमंत्रियों ने स्वीकार नहीं करा, हमारे दिल्ली प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें हमारा साथ दिया है, हम उसका भी धन्यवाद करते हैं जो बिल्कुल स्वीकार ना करा, और हम फिर अपनी दिल्ली प्रदेश की तरफ से निवेदन करते हैं इसको स्वीकार ना करें, हम इसको, इसका भरदोर विरोध करते हैं। हम शर्मा जी आपसे बताना चाहते हैं, MSP की जो बात है, कई वर्षों से किसानों की, किसान संगठनों की, भारतीय किसान यूनियन की मांग रही है 2004 के बाद में जो स्वामीनाथन रिपोर्ट जो पेंडिंग पड़ी है उसको लागू किया जाए, ये मंडियों को मजबूत किया जाए, ये आढ़तियों को एक आदेश दिया जाए कि आप MSP से नीचे खरीद नहीं होगी, लेकिन ये नहीं करना चाह रहे, किसान को कमज़ोर करना चाह रहे हैं, किसान इतने कमज़ोर नहीं हैं, किसान और प्रशासन आमने सामने आने लग रहा है, आमने सामने आ गया तो बहुत भारी नुकसान होगा इस देश को, इस प्रदेश को। फिर आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ आज एक जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें एक निर्णय लिया है, आपके माध्यम से हम उसको उजागर करेंगे और बहुत जल्दी किसान दिल्ली प्रदेश MSP के विषय को लेकर, कृषि विधेयक को लेकर, रावता गांव भूमि को जो डूबी हुई उसको लेकर बहुत जल्दी रोडों पर उतरेंगे। और खाप पंचायतें भी किसानों के समर्थन में आ खड़ी हुई हैं और
चर्चा करने के लिए हमारे साथ चौधरी खजान सिंह डागर जी भी हैं, आइए उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी शर्मा जी। तो तमाम स्थितियां आपके सामने हैं और आप लगातार समर्थन कर रहे हैं किसानों के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर के आप खड़े हुए, क्या कहना चाहेंगे इस विषय? बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए, जो भारत सरकार ने ये विधेयक पास किया है, हम ये चाहते हैं कि इसके साथ एक लाइन और जोड़ दी जाए, जो भारत सरकार मूल्य रखेगी उससे कम फसल नहीं बिकेगी, क्योंकि ये हमारे लिए गलत हो जाएगा अगर ये बात हुई तो। दूसरा, एक इसमें ये भी लिखा है कि भाई किसान भाई कोर्ट में नहीं जा सकता, भाई ये हमारे लिए अन्याय, हमारा मौलिक अधिकार है उसको भी ये छीन रहे हैं, क्योंकि कंपनी कोर्ट में जा सकती है, किसान कोर्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि फैसला तो कोर्ट ही देता है ना। ये तो SDM DC ये तो इन्हीं के सरकार के बैठाए हुए हैं, ये तो इन्हीं की बात कहेंगे। तो हमारे लिए दो बात ये होनी चाहिए, एक तो इस बिल में जो है ना MFC का भी लागू करना चाहिए और ये भी लागू करना चाहिए, किसान को कोई तकलीफ है तो वो कोर्ट जा सकता है। दूसरा, देखिए 4-5 साल से हम लगे हुए हैं, हमारे रावता गांव है उसमें 200 एकड़ भूमि जल में डूबी हुई है और 15 साल से उनका कोई फसल नहीं हो रही है। तो देखिए आप, जो किसान जमीन पर ही निर्भर है वो खुद अपने खाने के लिए भी अनाज मोल ले रहा है। इसके लिए हम SDM DC चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार में मंत्री महोदय सबसे मिले हैं, सब ने आश्वासन दिया है, परंतु कोई अब तक हल नहीं हुआ। अगर ये ऐसा ही चला तो बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे, और क्योंकि 200 घर बर्बाद हो रहे हैं, इस सरकार की अकमिची हुई है, इससे हम बहुत दुखी हैं। लगातार 15 साल से ऐसा हो रहा है, तो किसान किस विकल्प पर विचार करे? और तमाम दरवाजों पर गुहार लगा चुके हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों नेताओं से मिल चुके हैं, समस्या जो कि त्यों खड़ी हुई है, रावता गांव की समस्या है। दिल्ली देहात के नजफगढ़ गांव के अंतिम छोर पर बसे हैं ये रावता गांव, जहां लगभग 200 परिवार हैं, किसान परिवार जिनकी फसल पानी में डूबी है, उन सबको लेकर के भी किसान आंदोलित नजर आ रहे हैं।